नमस्ते, फिर से आपका स्वागत है हमारी अपनी YouTube चैनल पे। आज तक हमने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस बनाए और उस माध्यम से हमने आपको बताया कि आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता कैसे करनी है, अगर आपको कोई शारीरिक या मानसिक समस्या होती है तो उसे कैसे निपटा जाए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ज़्यादातर माइंड हेल्थ की बात करता हूँ, हमारे मन को स्वस्थ कैसे रखना है, क्योंकि शारीरिक समस्या तब भी आती है जब हमारा मन स्वस्थ नहीं रहता। इसलिए मन को स्वस्थ करने के बारे में हम इस चैनल के माध्यम से बात करते हैं। तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें मैंने बताया कि आपको ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, श्वसन क्रिया करनी है, मतलब डीप ब्रीदिंग करना है, गहरी लंबी श्वसन क्रिया करनी है, उसके माध्यम से आप अपनी शारीरिक मानसिक दोनों समस्या को दूर कर सकते हो। हमने जाना कि जब भी किसी इंसान को डर, चिंता, घबराहट, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक ऐसा कुछ होता है तब उन्हें डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। हमने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से समझाया कि डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी श्वसन क्रिया करनी है, जिससे उनके मन में जो लगातार नेगेटिव साइकिल चलता है वह ब्रेक होता है और लगातार चलती एंग्जाइटी से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ब्रीदिंग टेक्निक जो हो बहुत पावरफुल टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक यही करनी है, अगर किसी को डर, चिंता, घबराहट, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक की समस्या है तो सबसे पहली टेक्निक यही है, डीप ब्रीदिंग, गहरी लंबी श्वसन क्रिया कीजिए। देखिए, एक सामान्य भाषा में आपको समझाता हूँ कि हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसे काम करती है थोड़ा समझते हैं। हमारा हार्ट पंप करता है और पंप करते वो हमारे ब्लड को धक्का देता है, मतलब हार्ट के पंपिंग से ब्लड को धक्का आता है और ब्लड लहू जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से आगे बढ़ता है, पूरे बॉडी में लहू फैलता है, जिस जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ब्लड जाता है, फिर वापस आता है हृदय के पास। यह साइकिल चलता रहता है। बीच में लंग्स आता है, फेफड़े आते हैं, वह कैसे काम करते हैं। तो जैसे ही हार्ट ने पंपिंग किया, ब्लड को धक्का दिया, ब्लड पूरे शरीर में गया, जहाँ पे ज़रूरत है ब्लड मिला, फिर लंग्स के पास आया। लंग्स के पास आते ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नेगेटिविटी है, जो कचरा है, जो टॉक्सिन्स है, वो बाहर फेंकता है लंग्स। मतलब कि जब हम श्वास भरते हैं तो लंग्स जो है, फेफड़े जो है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, पूरी हवा को ग्रहण करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड को देता है। वह ऑक्सीजन लेकर जो ब्लड शुद्ध होता है, वो प्योरीफाइड ब्लड हार्ट के पास जाता है, हार्ट उसे धक्का देके आगे भेजता है, फिर पूरे शरीर में शुद्धिकरण की क्रिया चलती है। मतलब जहाँ भी टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, कचरा है, उसे ब्लड सोख लेता है और फिर वापस लंग्स को देता है। लंग्स उस कचरे को, नेगेटिविटी को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है। इस तरह साइकिल चलती रहती है। मतलब फेफड़े के थ्रू प्योर ऑक्सीजन ब्लड को मिलता है, हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में फेंक चलता है और ब्लड जो है पूरे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकलता है, फेफड़े को देता है, फेफड़ा बाहर फेंकता है। मतलब हमारे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। तो यह क्रिया जो है वो शुद्ध तरीके से, प्रॉपर तरीके से, असरकारक तरीके से होनी चाहिए। वह कब होगी? जब हम लंबी गहरी श्वसन क्रिया करेंगे। जब हम गहरी श्वास नहीं लेंगे, थोड़ी थोड़ी श्वास लेंगे, हमारा हार्ट भी थोड़ा थोड़ा काम करेगा तो पूरे बॉडी में जो सिस्टम है वह असरकारक काम नहीं करेगी। इसलिए हमें लंबी गहरी श्वसन क्रिया करनी है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, कचरा बाहर निकलेगा, फेफड़े के माध्यम से कचरा बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आज एक नई टेक्निक देखेंगे। हमें रोज़ सुबह ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, या कभी भी जब भी ज़रूरत हो तब हमें करना चाहिए। हमको क्या करना है, देखें, लंबी गहरी श्वसन क्या करनी है, जैसे कि कम से अंदाज से 5 सेकंड श्वास भरी, मुंह से श्वास बाहर फेंक दी। मतलब हमने 5-6 सेकंड श्वास भरी और धक्के से बाहर, मुंह से बाहर फेंकी। हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कचरा है, वो धक्के से बाहर मुंह से फेंक दिया। लेकिन श्वास भरते समय नाक से ही भरनी है। फिर से देखें, फिर से
इस तरह कम से कम 10 बार करेंगे, 5-6 सेकंड श्वास भरेंगे, मुंह से जोर से बाहर फेंकेंगे। 5-6 सेकंड मन में गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह श्वास कर, इस तरह प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 10 बार करेंगे। लेकिन इसे हमें लंबी गहरी श्वसन क्रिया, मतलब कि श्वास को गहरी कैसे लेनी है, तो जब हम श्वास लेंगे तब हमारा पेट फूलना चाहिए। हमारा पेट फूलेगा तब भी हमारे फेफड़े फूलेंगे और फेफड़े को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा असरकारक तरीके से काम करेंगे। इस क्रिया के बारे में आगे के वीडियोज़ में समझाया ही है, वह देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी वीडियोस अच्छे से देखें जिसमें मैंने समझाया है कि हमको श्वास कैसे लेनी है। तो जब हम श्वास लेंगे तो पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाता है, यही एक्चुअल श्वसन क्रिया है। खाली छाती को नहीं फूलाना है, छाती भी फैलेगी, पेट भी फूलेगा, फिर जब श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, छाती अंदर जाएगी। इस तरह ही हमें श्वसन क्रिया करनी है। कोई भी एक्सरसाइज करे श्वास के रिलेटेड, तब हमारा श्वास जब फूलेगा पेट फूलेगा, श्वास बाहर जाएगी पेट अंदर जाएगा, यह हमको याद रखना ही है। एक बार देख लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ। 5-6 सेकंड श्वास भरता हूँ, मुंह से बाहर फेंकता हूँ, इस तरह रोज सुबह 10 बार करेंगे, कम से कम 10 बार करेंगे। और जब भी मन में ऐसी नेगेटिविटी चल रही हो, ज़रूरत लगे तब कर सकते हैं। तो आज्ञा दीजिए, फिर से नई टेक्निक के साथ नए वीडियोस में मिलेंगे। तब तक आपको सभी वीडियोस अच्छे से देखना है, समझना है, और डीप ब्रीदिंग को अच्छे से समझिए, उसका महत्व समझिए। प्लीज़ इस डीप ब्रीदिंग को, गहरी लंबे श्वसन क्रिया को हल्के में मत ले, उसको जाने, उसको आप कब जानेंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। लगातार प्रैक्टिस मतलब रोज़ की प्रैक्टिस, रोज़ सुबह प्रैक्टिस करनी ही है, या जब भी ज़रूरत पड़े तब प्रैक्टिस करनी ही है। ऐसे जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, तब आप 1 महीने के बाद अपने आप में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे ही करेंगे। तो प्लीज़ लगातार 1 महीने की प्रैक्टिस करके देखें। मैं तो कहता हूँ कि आप 7 दिन करेंगे तब भी आपके अंदर एक चेंज पाएंगे ही पाएंगे। तो आप लगातार प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अगर वीडियो लाइक पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन आपका प्रतिभाव रिएक्शन ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।